ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे कई पार्टियों के नेता, शरद यादव, एनसीए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, कर्नाटक के सीएम एच डी कुमार स्वामी, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन होंगे शामिल। मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग तय कर रहा है कितने चरणों में हो आम चुनाव। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और सिक्किम की सरकारों के लिए हो सकती है वोटिंग। पीएम मोदी आज दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा जाएंगे, उसके बाद शाम को मुंबई में फिल्म म्यूजिक का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आज ममता बनर्जी की संयुक्त विपक्ष रैली। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। मिलिट्री पुलिस में होगी 20% महिलाओं की भर्ती। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक रोल में होंगी महिलाओं की भर्ती। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे 4 बागी विधायक। बैठक के बाद विधायकों को कांग्रेस ने रिसोर्ट पहुंचाया। कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी ने विधायकों पर जताया भरोसा, कहा कांग्रेस के नाराज 4 विधायक भी उनके संपर्क में। बजट में तेलंगाना की तर्ज पर किसानों को नया पैकेज दे सकती है मोदी सरकार। किसानों के खाते में सीधे 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष देने की सरकार बना रही है योजना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राफेल डील पर उठाया सवाल। चिदम्बरम ने लगाया मोदी सरकार पर दौसा कंपनी को मोटा मुनाफा कराने का आरोप। राहुल गांधी ने विक्रमार्का मल्लू को तेलंगाना में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं विक्रमार्का मल्लू। जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। आरोप पत्र में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत कुल 10 आरोपियों का नाम। सवर्णों के लिए आर्थिक आरक्षण के बाद गुर्जरों ने अलग से 5% आरक्षण की मांग। 20 दिनों में मांग पूरी करने के लिए सरकार को दिया अल्टीमेटम। सवर्णों के लिए लागू 10% आर्थिक आरक्षण कानून के खिलाफ डीएम की पहुंची मद्रास हाईकोर्ट। आर्थिक आरक्षण को बताया संविधान के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा देशद्रोह के खिलाफ कानून हटाना चाहती है कांग्रेस। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा दिल्ली रहने लायक नहीं रही, प्रदूषण और ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या। नागपुर में आज से शुरू होगा बीजेपी का 2 दिवसीय अनुसूचित जाति मोर्चा अधिवेशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव रहेंगे मौजूद। लद्दाख के खारदुंगला में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 पर्यटकों की मौत, 5 की तलाश जारी। शुक्रवार को हिमस्खलन में फंस गए थे सभी पर्यटक। राम मंदिर निर्माण पर दिए बयान पर भैया जी जोशी की सफाई, कहा अब मंदिर निर्माण शुरू होगा तो 2025 तक तैयार होगा। रामविलास वेदंती ने भी भैया जी जोशी जैसा दिया बयान, कहा मंदिर का निर्माण का काम 2025 में पूरा होगा। भैयू जी महाराज खुदकुशी मामले में विनायक, शरद और युवती के खिलाफ धारा 306-384 के तहत पुलिस ने किया केस दर्ज। इंदौर पुलिस आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या पर सियासत तेज, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच पर उठाए सवाल। 17 जनवरी की रात बदमाशों ने गोली मारकर की थी हत्या। बड़वानी के सिविल अस्पताल में वार्ड बॉय ने घायल व्यक्ति के पैंट के ऊपर से की ड्रेसिंग, पीएमओ ने वार्ड बॉय के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। इंदौर को 3 नई ट्रेनों की मिली सौगात, इंदौर से बीकानेर, गांधीधाम और दिल्ली सराय रोहिला के लिए नई ट्रेनों को सुमित्रा महाजन ने दिखाई हरी झंडी। सतना में लोगों को यातायात नियम सिखाने वाली पुलिस खुद उड़ा रही है नियमों की धज्जियां। एसआई से लेकर आरक्षक तक बिना हेलमेट के ही दौड़ा रहे हैं बाइक। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एमपी बीजेपी, प्रदेश के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय का बयान, छिंदवाड़ा और गुना में मजबूर नहीं मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। युवाओं के बाद कमलनाथ सरकार ने शिक्षकों को दिया तोहफा, शिक्षकों का आदिवासी विभाग में संविलियन पर लगी रोक हटी। छत्तीसगढ़ में हुए जनसंपर्क घोटाले की जांच करेगी आर्थिक अपराध शाखा, 260 करोड़ की जगह 400 करोड़ रुपए किए गए प्रचार प्रसार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का रमन सिंह पर तंज, जो 30 दिन में सीएम हाउस खाली नहीं कर सके वो हमसे 30 दिनों का हिसाब मांग रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में सामने आई बीजेपी की खिस्तान। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के बयान पर अमित सिंह ने ली चुटकी, बोले धीरे धीरे खुल रहे हैं सबके ज्ञान चक्षु। गुजरात और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण का लाभ। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी। यूपी के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष परवेश तोगड़िया ने राजनीतिक पार्टी बनाने का किया ऐलान। तोगड़िया की पार्टी लोकसभा की सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। के खुंडारे थाना क्षेत्र में बीजेपी सांसद कीर्ति वर्धन सिंह पर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप। गोंडा सदर सीट से सांसद है कीर्ति वर्धन सिंह। यूपी के जिला जेलों में खाली जगहों पर बनाई जाएगी गौशाला। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर अनिल गर्ग ने जिलों के डीएम को लिखा पत्र। शाहजहांपुर के जलालाबाद में गड्ढे में मिट्टी से दबी मिली जिंदा नवजात, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बच्ची की हालत स्थिर। जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, बदमाशों ने महिला नौकरानी और देवर की हत्या। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर पाताराम की गोली मारकर हत्या, 25 से ज्यादा केस थे दर्ज, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। रायबरेली में रेलवे स्टेशन के पास स्थित फ्लोर मिल के सेल्समैन से 5 लाख रुपए की लूट, प्रयागराज से पेमेंट लेकर आ रहा था वापस। यूपी के मुरादाबाद में हर्ष फायरिंग में 2 महिलाओं की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। शादी में शराब के नशे में की जा रही थी फायरिंग। बिहार के सहरसा में 300 करोड़ की लागत से बनेगा विद्युत पावर ग्रिड, आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे पावर ग्रिड का शिलान्यास। हाजीपुर में पप्पू यादव का लालू यादव आरजेडी पर तंज, कहा आरजेडी की लालू राजनीति खत्म, अब तेजस्वी की ट्विटर राजनीति शुरू। आम लोगों को ट्विटर का पता नहीं और लगा रहे हैं ट्विटर चौपाल। सासाराम में सड़क शिलान्यास को लेकर आपस में भिड़े सांसद और विधायक, बेलाड़ी बबुला सड़क का छेदी पासवान और अशोक कुमार ने अलग अलग किया शिलान्यास। मुजफ्फरपुर में फिर दिखा भीड़ का क्रूर चेहरा, चोरी के आरोप में 2 युवकों को जमकर पीटा, सिर मुंडवा कर किया पुलिस के हवाले। जमुई के छापा गांव में बदमाशों ने स्कॉर्पियो पर फेंका बम, 2 लोगों की मौत। पटना में बीच सड़क पर गुंडागर्दी, हाईकोर्ट के सामने दबंगों ने एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस बनी रही तमाशबीन। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, मेलबर्न वनडे में 7 विकेट से जीतकर पहली बार सीरीज पर किया कब्जा। वनडे सीरीज में जीत के हीरो बने धोनी और जाधव, धोनी 87 और जाधव 61 रन बनाकर रहे नॉट आउट। 12 साल के डी मुकेश बने युवा चेस चैंपियन ग्रैंड मास्टर, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। हैदराबाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने देश में महिलाओं की स्थिति पर जताई चिंता, कहा विदेशों में भारत से ज्यादा होता है महिलाओं का सम्मान। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान ने सेना को किया हाई अलर्ट, कोटली इलाके में तैनात ब्रिगेड को पाक ने किया अलर्ट। अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल का नया पोस्टर रिलीज, पोस्टर पर नजर आई फिल्म की पूरी स्टार कास्ट। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें एडिशन का दूसरा दिन 22 जनवरी तक चलेगा जयपुर फिल्म फेस्टिवल, 64 देशों की 232 फिल्मों का किया जाएगा प्रदर्शन।